असलम स्टूडेंट्स टूडे वी विल डिस्कस द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ ब्रासिका कम्पेस्ट्रिस हम बेसिकली मस्टर्ड प्लान्ट को डिस्कस करेंगे हेयर यू कैन सी द क्लासीफिकेशन ऑफ द प्लान्टो स्टूडेंट दिस इज़ द क्लासीफिकेशन ऑफ़ द ब्रासिका कम्पेस्टिस नाउ वी विल स्टडी द ब्रासिका प्लान वन यू विल ऑब्जर्व द्लांट दिस आर द थिंग्स डेट यू विल सी द यलो फ्लावर लीफ रूट एंड द स्टेम these are the basic things that you will observe when you whenever you see the plant so students the plant body is divided into two parts the first one is the vegetative part that consists of root stem and leaf and when we talk about the reproductive part of the plant it consists of the flower and it is the reproductive part of the plant students when we talk about the vegetative part Remember one thing that roots, stem, and leaves; these are the parts that we called as the vegetative part, and they are not involved in the sexual reproduction. So that's why they are known as the vegetative part of the plant. And when we talk about the reproductive part, that is the flower. It involved in the sexual reproduction, and it develop into the seeds and the fruits. So this is the reproductive part of the plant. Now we will discuss the roots in detail. स्टूडेंट द रूट्स आर डिवेलप फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द सीड ये सीड की रेडिकल से डिवेलप होती हैं और जब हम रूट्स की बात करते हैं दे ग्रो अंडर द सॉयल एज यू कैन सी ओवर हेयर दिस इज़ प्राइमरी रूट एंड वेन इट विल डिवाइड इट विल चेंज इन टू द इट फ्राम द सेकेंड्री रूट एंड द सेकेंड्री रूट फर्दर डिड टू फॉर्म द ट्रशरी रूट ऑल द रूट्स आर कवर्ड फ्राम देयर टिप्स बाय द रूट कैप्स एंड द रूट हेयर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट ओवर देयर डेट इंक्रीज द सरफेस एरिया वेन वी टॉक अबाउट द स्टेम बेसिकली स्टेम इज अराइजेज फ्राम द प्लोम्यूल ऑफ द सीड जो सीड का प्लोम्यूल होता है स्टेम उससे डिवेलप होता है और ये बेसिकली एक एरियल सिलेंड्रिकल और ग्रीन पार्ट होता है प्लान का जिसमें कुछ सोलन पोर्शन होते हैं जिनको हम नोट्स कहते हैं और जो डिस्टेंस होता है बिटवीन टू नोट्स उनको हम इंटरनोट कहते हैं सो स्टूडेंट्स वन वी टॉक अबाउट द लीव्स बेसिकली ये आप देख सकती हैं ये मस्टर्ड प्लांट का लीफ है और इसमें जो इलोंगेटिड पार्ट आपको नजर आ रहा है जहाँ से ये अटैच होगा स्टेम के साथ वी कॉल्ड डैट पार्ट इज़ द पेटियोल ये इस पार्ट को हम पेटियोल कहते हैं जिससे ये अटैच हुआ होता है स्टेम के साथ और ये जो एक्सपेंडेड पार्ट होता है इसको हम लेमिना या फिर लीफ ब्लेड कहते हैं इसके अलावा आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकती हैं कि सेंटर में से एक रिप जा रही है इसको हम मिड रिप कहते हैं और इससे राइज होती हैं डिफरेंट वेन्स सो ये ये विनेशन बनाती हैं अगर ये नेटवर्क प्रेजेंट है तो ये बेसिकली डाइकोट लीव की निशानी है स्टूडेंट दीज आर द मटेरियल डाटा रिक्वायर्ड फॉर द एक्सपेरिमेंट सो नाउ वी विल परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट यू कैन सी ओवर ही दिस इज़ द फ्रेश ब्रासिका प्लांट ये फ्रेश ब्रासिका प्लांट आपको दिखाया गया और ये आप लीव देख रहे हैं ब्रासिका प्लांट का और ये फ्रेश प्लांट हमने इसकी एक ब्रांच ली है जिसको आप ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो ब्रासिका प्लांट है इसकी इसके यहाँ पर ये सीड दिखाई जा रहे हैं आपको क्योंकि ये जो सीज़न है इसमें इसके सीड्स रायपन नहीं होते हैं तो ये बेसिकली आप लोगों के लिए सेपरेट सेट सीड लिए गए हैं आर प्रेजेंट इन द दिलीकुआ सिलीकुआ बेसिकली क्या है फ्रूट ऑफ द मस्टर्ड प्लांट जो मस्टर्ड प्लांट का फ्रूट है ये उसमें प्रेजेंट होते हैं इसलिए आपको सेपरेटली दिखाए गए हैं ये सीड्स हैं मस्टर्ड प्लांट के ऑब्जर्व करने के लिए हमें मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए होता है और इसके साथ साथ हमें रिक्वायर्ड होती है माइक्रोस्कोप जिसमें हम ऑब्ज़र्व करेंगे डिफरेंट स्लाइड्स को डाटा रिलेटेड टू द पार्ट ऑफ द प्लांट जो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट से रिलेटेड हैं इसके साथ साथ हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं एक्सपेरिमेंट के लिए वो प्रिपेयर्ड स्लाइड भी हैं जो स्टेम रूट और लीफ के सेक्शंस की हैं ये प्रिपेयर्ड स्लाइड हम यूज़ करेंगे और स्टूडेंट्स हमें डाइसेक्टिंग बॉक्स भी रिक्वायर्ड है जिससे हमने प्लांट के डिफरेंट पार्ट को कट करना है टू तो ऑब्ज़र्व दैम ताकि हम उन्हें ऑब्जर्व ऑल एट स्टूडेंट दिस इज द ब्रांच ऑफ द ब्रासिका प्लांट ये बेसिकली ब्रासिका प्लांट की ब्रांच है ये एक कम्प्लीट ब्रांच रूट तक ली गई है ब्रासिका प्लांट की मस्टर्ड प्लांट की इसको अब हम उसको इसके डिफरेंट पार्ट्स को ऑब्जर्व करेंगे इनको ऑब्जर्व करने के लिए सबसे पहले हम फोर्स से क्या करेंगे इसके जो इसका जो फ्लार है उसको हम सेपरेट करेंगे एज यू कैन सी ओवर देअर आप वहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए ये येलो ये कलर का फ्लावर है जिसको सेपरेट कर लिया गया है और उसको आप पेट्री डिश में रख देंगे उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग उसका लीफ सेपरेट करेंगे बाद में हम इन सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे ये लीफ है ब्रासिका प्लांट का फ्लावर के बाद आप लोगों ने क्या करना है आप लोग लीफ को सेपरेट करके पेट्री डिश में रख लेंगे नाउ द थर्ड थिंग डैट यू विल डू आप उसका जो ब्रा, उसकी जो ब्रांच है उसको उठाएंगे और उसको ऑब्जर्व उस वहाँ से आप रूट और स्टेम का जो पार्ट है उसको ऑब्ज़र्व करेंगे उन दोनों चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के लिए हमें पहले रिक्वायर्ड होगा कि हम उन्हें कट कर लें यहाँ से तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम रूट्स को यहाँ से कट कर लेंगे लाइक like दिस आप यहाँ पे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं इस तरह से हम क्या करेंगे रूट को यहाँ से कट कर लेते हैं सो स्टूडेंट्स रूट को कट करने के बाद अब ये आपके पास रूट आ गई है जिसको हमने कहा कि ये प्राइमरी रूट है जो डिवाइड होकर सेकेंडरी रूट बनाती है और सेकेंडरी रूट फर्दर डिवाइड होकर ट्रश्री रूट बनाती है एंड यू कैन ऑलसो ऑब्जर्व द रूट हेयर रूट हेयर बेसिकली सर्फेस एरिया इंक्रीज करते हैं फॉर द एब्जॉर्बन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट आफ्टर दैट वी विल कट डाउन द स्टेम अब आप देखें हमें यहाँ पे स्टेम का जो पार्ट है हम उसको कट कर रहे हैं जो कि ग्रीन पार्ट है प्लांट का और ब्लूम्यूल से डिवेलप होता है और इसमें नोड्स और इंटर नोड्स प्रेजेंट होते हैं दिस इज़ पार्ट ऑफ द स्टेम द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट हमें पता है कि जब हम रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं ये बेसिकली क्या है ये फ्लावर है आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं दिस इज़ ब्रासिका फ्लावर ये आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर दिखाया गया है जब हम फ्लावर की बात करते हैं स्टूडेंट जो फ्लावर है वो कंसिस्ट करता है स्टूडेंट बेसिकली जो फ्लावर है वो फोर वर्ल्ड्स पे डिपेंड वो कंसिस्ट करता है जो आउटर मोस्ट वर्ल्ड आप देख सकते हैं वो कैलेक्स है और उसके बाद जो पार्ट ऊपर वाली आप देख सकते हैं येलो कलर की वो है कुरोला थर्ड पार्ट जो आता है वो आता है एंड्रोशियम का जिसको हम मेल पार्ट भी कहते हैं और जो फोर्थ वर्ल्ड है वो बेसिकली गाइनेशियम है जो कि फीमेल पार्ट ऑफ द है स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर या आपको फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स दिखाए गए हैं अब इन्हीं पार्ट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो जब हमने बात की एंड्रोशियम की एंडोशियम बेसिकली क्या बनाता है थर्ड वर्ल्ड बनाता है और ये कंसिस्ट करता है मेल पार्ट पे और मेल पार्ट कंसिस्ट करता है एंथ्र पे एंथ्र को कलेक्टिवली हम स्टेमन कहते हैं और जब हम फीमेल पार्ट की बात करते हैं जिसको हम कार्पल कहते हैं ये कंसिस्ट करता है ओवरी स्टाइल और स्टिग्मा मतलब ये कि जो स्वर्न पोर्शन आपको नजर आ रहा है वो ओवरी है इलॉन्गेट पोर्शन स्टाइल और जो थोड़ा सा फैला हुआ पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं स्टिग्मा सो इट इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स द ओवरी स्टाइल एंड स्टिग्मा एंड दे फॉर्म द कार्पल इसको हम कलेक्टिवली कार्पल कहते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि कैसे हम डिफरेंट पार्ट्स को सेपरेट करेंगे फ्लार के आप ये देखें ये जो हम पार्ट रिमूव कर रहे हैं दिस इज़ द फर्स्ट वर्ल्ड और इसको हम क्या कहते हैं ये कैलेक्स है कैलेक्स आउटर मोस्ट है और ये लोअर मोस्ट वर्ल्ड भी आप इसे कह सकते हैं और ये फ्री सैपल्स पे कंसिस्ट करती हैं फ्री सैपल इसमें प्रेजेंट होती हैं और इनका फंक्शन बेसिकली इंटरनल पार्ट को प्रोटेक्ट करना है उसके बाद हम रिमूव करें यहाँ पे येलो कलर की पेटल्स, फ्री येलो पेटल्स प्रेजेंट होती हैं ये भी फोर इन नंबर होती हैं और इनको हम क्रोला कहते हैं बेसिकली इनका क्या काम है हेल्प इन द पोलिनेशन ऑफ द फ्लावर ये कलर्ड होती हैं कलर्ड होने का पर्पज़ यही है कि ये पोलिनेशन में हेल्प करेंगी सो इन दिस वे वी विल रिमूव द सैपल्स एंड द पेटल्स अब आप यहाँ पर देखिए हमने पहले सैपल्स को रिमूव किया और अब हम रिमूव करें हैं पैटल्स को आपने भी इसी तरह से रिमूव करना है और आपने ये बहुत एहतियात से करना होता आप है अब देखें जो इंटरनल पार्ट हैं दोनों वो सेफ हैं उनको कुछ नहीं हुआ है एंड नाउ वी विल रिमूव द थर्ड वर्ल्ड डेट इज़ द एंड्रोशियम जो थर्ड वर्ल्ड है बेसिकली उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं एंड्रोशियम और जो एंड्रोशियम है वो बेसिकली क्या है वो मेल पार्ट ऑफ द प्लांट है आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं सेंटर वाले पार्ट को नहीं अब जिसको हम रिमूव करने लगे इस पार्ट को देखें ये जो स्वोलन पोर्शन है वो स्टेमन और जो इलोंगेटिड पोर्शन है वो फिलामेंट इसको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं इसको कलेक्टिवली सॉरी स्वोलन पोर्शन एंथर और इलोंगेटिड पोर्शन फिलामेंट और कलेक्टिवली इसको हम स्टेमन कहते हैं इस तरह से हमने स्टेमन रिमूव किया और यहाँ पर जब हम स्टेमन की बात करते हैं ये थर्ड वर्ल्ड बनाते हैं और इसमें फ़ोर लॉन्ग स्टेमन प्रेजेंट होते हैं इस प्लांट में अगर आप ऑब्जर्व करें फोर भी होते हैं और सम टाइम जो टू स्टेमन होते हैं वो वेल well डिफाइंड होते हैं और जो फोर स्टेमन होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और जो आउटर साइड पे टू स्टेमन प्रेजेंट होते हैं वो शॉर्ट होते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो टोटल स्टेमन प्रेजेंट होते हैं वो सिक्स होते हैं सिक्स फ्री स्टेम्स आर प्रेजेंट इन ब्रासिका प्लांट इन दिस वे वी विल रिमूव द स्टेमन एंड यहाँ पे अब आप ऑब्जर्व करेंगे दिस इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट जिसको हम गाइनेशियम कहते हैं और ये कंसिस्ट करता है नीचे वाला पोर्शन जो सोलन है उसको हम ओवरी ऊपर वाला स्टाइल और उसके ऊपर स्टिग्मा प्रेजेंट है और इसको हम गाइनेशियम कहते हैं स्टूडेंट्स आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं अगेन फोर फ्री ग्रीन सेपल्स प्रेजेंट हैं फोर फ्री येलो पेटल्स प्रेजेंट हैं एंड्रोशियम डैट इज़ द मेल पार्ट सिक्स फ्री स्टेमल्स प्रेजेंट होते हैं फोर लॉन्ग और टू शॉर्ट गाइनेशियम डैट इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट ओवरी स्टाइल और स्टिग्मा पे कंसिस्ट करता है जिसको कलेक्टिवली हम कार्पल कहते हैं ओवरी स्टाइल और स्टिग्मा तीनों मिला के जब हम बात करेंगे तो उसको हम कार्पल कहेंगे और दिस दिस इज इज फीमेल पार्ट ऑफ द द प्लांट स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर है अब यहाँ पे देखेंगे कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट आप देख सकते हैं टू पोलर न्यूक्लियर ये टू पोलर न्यूक्लियर प्रेजेंट है ये एक्सेल प्रेजेंट है और यहाँ पे ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है जो ये वाला पार्ट है जिसको ये वाला पोर्शन, ये वाला जिसको हम ओव्यूल कहते हैं ये बेसिकली जब राइपन होगा तो ये सीड्स में कन्वर्ट हो जाएगा और जब ओवरी का ये वाला पार्ट राइपन होगा तो ये क्या बना देगा फ्रूट बना देगा सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी और यहाँ पे किस तरह से सीड uh, की फॉर्मेशन होती है और फ्रूट की फ्रूट की फॉर्मेशन होती है वो भी हमने ऑब्जर्व किया, किया। आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं ये फ्रूट है मस्टर्ड प्लांट का जिसको हम सिलीक् कहते हैं और स्टूडेंट यहाँ पे सीड्स प्रेजेंट हैं जो मैंने आपको फर्स्ट डिस्कस किए थे आपसे स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको जो लेग्यूम है उसको कट करके दिखाया जाएगा कि बेसिकली जब हम लेग्यूम को कट करते हैं तो वो उसमें सीड्स प्रेजेंट नहीं है और इसको आप बहुत एहतियात से कट करते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं या फिर जो इसका फ्रूट है सिली कुआ जिसको हम कहते हैं उसको जब हम कट कर रहे होते हैं उसको कट करने के बाद जब आप उसे ऑब्ज़र्व करेंगे एक सिंगल कट लगाना आपने इसमें और ये कट लगाने के बाद आप क्या करेंगे इसको ऑब्ज़र्व करेंगे जब आप इसे ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको यहाँ पे सीड्स नज़र नहीं आएंगे आपको ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर नज़र आएगा जो कि अनराइपन सीड हैं वो कि अभी पके हुए सीड नहीं है तो उन सीड को आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ये अनराइपन सीड है तो ये जो अनराइपन सीड हैं ये अभी जब ये ग्रो सॉरी फर्दर टाइम गुजरेगा और ये रायपन होंगे ये पोड होती है और पोड होने के साथ साथ ये मैनी सीडिड होती है इसमें एक सीड कंसिस्ट नहीं करता बल्कि प्रैक्टिकल कॉपी यहाँ पे एक और चीज़ भी आप ऑब्जर्व करिए ये थैलेमस है जो कि स्वोलन पार्ट होता है पेडिसल के ऊपर पेडिसल बेसिकली क्या होती है फ्लावर की जो स्टॉक होती है उसको हम पेडिसल कहते हैं और इसके ऊपर जो स्वोलन पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं थैलेमस मैंने आपसे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर वन पॉइंट टू का पार्ट वन डिस्कस किया है जिसमें हमने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ ब्रासिका कंपेस्टर स्टडी किया है और इसके साथ साथ मैंने आपसे डिस्कस किया है पार्ट थ्री वन पॉइंट टू का ही पार्ट थ्री जिसमें हमने फ्लावर फ्रूट और सीड को डिस्कस किया है ब्रासिका के जो सेंट्रल पार्ट है पार्ट टू वो हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में डिस्कस करेंगे बिकॉज वो उसमें स्लाइड्स प्रेजेंट हैं रूट स्टेम और लीफ की स्टूडेंट्स so, ये एक्सपेरिमेंट आपने कैसे करना है यू विल ड्रॉ ऑल दिस डायग्राम आपने ये सारी डायग्राम्स ड्रॉ करनी है और आ, इनको आपने उप, और ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट का नेम और एक्सपेरिमेंट नंबर लिखना है एंड यू विल ड्रॉ ऑल दिस डायग्राम और मार्जिन लाइन्स आपने ड्रॉ करनी है सो यू विल डू इट ऑन द ब्लैंक पेज इसके अलावा जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो हमने यहाँ पे आप ड्रा करेंगे फ्लावर का स्ट्रक्चर और इसको आपने लेबल भी करना है इसके साथ साथ आप यहाँ पे ओवरी का स्ट्रक्चर भी ड्रा करेंगे और आप लेग्यूम भी ड्रा करेंगे बिकॉज हमने यहाँ पे ये यह सब चीज़ें डिस्कस की हैं सो यू विल ड्रा ऑल दिस थिंग्स राइट द नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड ऑल्सो द एक्सपेरिमेंट नंबर सो स्टूडेंट दिस इज ऑल फॉर टूडेटेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं दीज आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रासिका प्लान मस्टर्ड प्लांट के डिफरेंट पार्ट आपको दिखाए गए हैं जिनको इनका नेम देख के उसके ऊपर अटैच किया गया है सो होप सो इट विल बी क्लियर टू यू थैंक यू